हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीडियो क्रिएटर चंदन चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता है और आज हम बताएंगे कि नया बिजली कनेक्शन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके घर पर कितने दिन बाद बिजली कनेक्शन लगा दिया जाता है, मीटर इंस्टॉल कर दिया जाता है, आपके घर में लगा दिया जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, हम वीडियो टाइम वेस्ट, नो सब्सक्राइब रिक्वेस्ट, ओनली क्वालिटी कॉन्टेंट। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी दोस्तों आप नया बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको एक स्टेटस चेक करने के ऑप्शन मिलता है और आप बहुत ही आसानी से रिक्वेस्ट नंबर से वहां पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। उस स्टेटस में आपका स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन होता है और आपका जब मीटर इंस्टॉलेशन पर जाता है तो आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर आता है। एक जो कर्मचारी होता है मीटर इंस्टॉलेशन करने वाले, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके घर पर मीटर लगा देंगे, आपका बिजली कनेक्ट कर देंगे और आप बिजली चलाने लग जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होने में दोस्तों आपको 20 दिन से 25 दिन लगता है। फॉर्म वेरिफिकेशन होने में, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने में 15 से 17 दिन 20 दिन लगता है। उसके बाद का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और जल्दी हो जाता है। तो अगर आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है तो कोई टाइमिंग नहीं लगता है, समझिए 1 से 2 दिन। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में आपका टाइमिंग लग जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई जो रुकता है वो लोकल ऑफिस से रुकता है। अगर आप उससे भी जल्दी लेना चाहते हैं बिजली कनेक्शन तो आपके लिए ये दूसरा उपाय है, आप वहाँ पर वीडियो देखिए। नहीं तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो है, उसको देख के अपना कनेक्शन जल्दी से जल्दी लगवा सकते हैं। अगर जनरल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 20 से 25 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो यही टाइमिंग है दोस्तों बिजली कनेक्शन नया लगने की।